हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने फेस के एक्ने एंड पिंपल या एक्ने स्कार्स को इजीली रिमूव कर पाएंगे। अगर आपके फेस पे भी एक्ने या एक्ने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और होम रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जिसमें पहला है चंदन पाउडर या सैंडलवुड पाउडर जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सेकंड है रोज़ वाटर या फिर गुलाब जल। इन दोनों की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो इसे एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इस फेस पैक को, या फिर अपने पूरे फेस एंड नेक पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फुल फेस पे या एक्ने आपके नेक पे भी है तो आप इसे पूरे फेस एंड पूरे नेक पे अप्लाई करें। अगर आपके फेस पे कहीं कहीं एक्ने या पिंपल्स हैं तो आप सिर्फ उस स्पॉट पे भी इसे लगा सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसे फुल फेस पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में या फिर हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन या वाइटन बनाने में। तो आप इन दोनों को मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बनाएं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो पेस्ट को थिक या थिन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे एक चम्मच चंदन पाउडर लिया है और उसे पेस्ट बनाने के लिए रोज़ वाटर लिया है। फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को एंड नेक को अच्छे से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आपके फेस पे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके पोर्स के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड या वाइट हेड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मेरी बात करें कि मेरे फेस पे एक्ने हैं या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों चीक्स पे एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट 2-4 एक्ने हैं। अगर हम अपनी स्किन केयर रूटीन को अच्छे से फॉलो ना करें, अपने डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो ना करें, तो हमारे फेस पे पिंपल्स या फिर एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तब भी आपके फेस पे पिंपल्स या डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अपना जो डेली रूटीन है, डेली स्किन केयर रूटीन है, इन दोनों को अच्छे से फॉलो करें। अब बात करते हैं इस फेस पैक के यूजेस की और इनके वर्क की। तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। वन यूज़ के बाद ही आपको आपके फेस के एक्ने में विजिबल डिफरेंस दिख जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे यूज़ करना बंद कर दें। कंटिन्यू आपको इसे कम से कम 1 वीक तक डेली यूज़ करना है। जब आपके एक्ने कम हो जाएं या रिड्यूस हो जाएं तो आप इस फेस पैक को बंद कर सकते हैं, बट जब भी आपको एक या दो एक्ने दिखे तो आप इस फेस पैक को स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज ज़रूर करें। अगर इसके वर्क की बात करें तो चंदन पाउडर जो होता है वो हमारे स्किन टोन को लाइटन ब्राइटन, हमारे फेस से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और एक्ने, इन सभी को रिमूव करता है, और साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे एक्ने पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जिनकी वजह से हमारा एक्ने बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। और रोज़ वाटर तो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से हमारी स्किन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।